हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केकेडी एंटरटेनमेंट। सो ये है सेकंड ब्लॉग। तो ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे है, मतलब जिस दिन ब्लॉग किया था अगले दिन पूरा ब्लॉग एडिट किया हूँ। एंड फिर ये थर्ड डे और आज हम जा रहे हैं मुंबई। जो कि क्या हुआ था कि हमारे साथ जो मिस्टर जी है, दिखाऊंगा आपको, मिस्टर जी है, हम लोग ने बोला कि चलो ठीक है ट्रेन से जाते, बट अभी सामान इतना हो गया कि बोलते हैं नहीं अभी 16 घंटा कौन करेगा, डायरेक्ट फ्लाइट से जाते। तो फ्लाइट की टिकट बुक कर ली अभी, तो अभी 11 बजे की फ्लाइट है। अभी तो चेकआउट का टाइम भी हो गया, 11 बज गए। जो हमारे चैनल में मिस्टर जी है, ये बार बार तू फेस छुपाना पड़ा, टी शर्ट तो पहन लू ऐसे। नहीं नहीं, वो अच्छा लग रहा है ना तू। तो हमारे साथ जो मिस्टर जी था, तो ये देख सकते हो आप साइज। हाँ, ये मिस्टर जी है हमारे। तो ये बोलते हैं डायरेक्ट फ्लाइट में जाना है। और सामान आप देख सकते हो, ये एक बैग है, ये एक बैग है, ये जो बैग है हमने 300 रूपए में खरीदा था, जो जगड़ जगड़ के खरीदा था ना, वो 300 रूपए में खरीदा था। बस बाकी सब पैकिंग हो चुकी है, अभी चेकआउट का टाइम हो गया तो हम निकल रहे हैं। मैं भी थोड़ा बाल वाल बना लेता हूँ फिर निकलता हूँ। और मिस्टर दिल्ली सेकंड, मिस्टर दिल्ली आपका कब आना हो रहा है? सितंबर में सेप्टेम्बर, लेकिन 13 सितंबर और 14 सितंबर हम सब फ्रेंड्स लोग का एक खास दिन रहता है। उस दिन आ रहे हो कि नहीं आ रहे? कैमरे के सामने बोलो। 50-50। हाँ 50-50, मतलब नहीं आ रहे। 50-50 हाँ है ना, कुछ नहीं है। मैं आ गया तो फ्लाइट पकड़ के आ भी जाऊंगा। हाँ, और फिर पता नहीं एक दिन में फिर भूल, शाम को भूल। तो भाई चेकआउट तो कर लिया है और अभी हम खड़े हैं ओला के लिए, ओला या उबर, उबर के लिए खड़े हैं बाहर। हमारा सब सामान वो ऑफिस में रख दिया है, जरूरत सामान है वो हमारे हाथ में, ये चॉकलेट है और उबर का वेट कर रहे हैं हम। कहाँ जा रहा है मिस्टर दिल्ली? कहाँ जाने है? पहले उबर बुक करें, बाद में डिसाइड करेंगे कहाँ जा रहे हैं। तो उबर तो आई नहीं, मगर हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि अभी देखते डिसाइड नहीं किया कि किधर जाना है। और मास्क सभी ने लगा लिया है, क्योंकि मिस मेकअप आर्टिस्ट के बाद नंबर आ चुका है मिस्टर जी का। कल ही गया था, कल ही जाके इसको लग गया फाइन, और अभी अच्छे से लगा दिया है मुँह पे। ये देखो, ये दिल्ली वाला है, इसने लगाया नहीं है मास्क, क्योंकि चलता है ना। हाँ, अपने शहर में अपने कौन लगाएगा मास्क? समझ रहे हो, फिर से ओला मंगाइए, फिर से प्लान में चेंज है। अभी हम जा रहे मणिपुर पार, मणिपालपुर जा रहे, महीपाल, मैंने उसमें भी मणिपाल ही डाला था ओला में। तो अभी हम लोग वहाँ बाहर तक गए, मैंने फिर से प्लान में कुछ चेंज हुआ, फिर से आए। अभी ऑफिस से हम लोग लेंगे सामान, उसके लिए वेट कर रहे हैं। अभी 5 मिनट बता रहे हैं ओला वाले को आने के लिए। फाइनली 1 घंटा रुकने के बाद हमारी उबर आ चुकी है। भैया क्यों लेट हुआ इतना? ट्रैफिक गंदा रोड है बहुत। भैया अभी कुछ बोल रहे नहीं है आने के टाइम तो। ओटीपी बोल। और सामने जैसे ट्रक फंसी है ना, वैसा भैया फंसे थे पहले। बहुत जाम है यहाँ पे, ये रोड सबसे गंदा रोड। मास्क भी लगा ले। दिल्ली की ट्रैफिक अभी यहाँ से महीपालपुर 17 किलोमीटर है, और वो 17 किलोमीटर करने के लिए हमें लगेंगे 1 घंटा। सामने आ गए कुतुब मीनार, जो मौका नहीं मिला था जाने का, बट जाते जाते देखते जा रहे, जाते जाते कुतुब मीनार भी देख लिए। वाह, दिल्ली में भाई साहब गर्मी बहुत है, कड़कती भड़कती धूप है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ आना हम लोग, वैसे बोलेगा ठंडी बहुत है। अच्छा, और साथ में फॉग रहेगा कि पोल्यूशन? फॉग रहता है भाई। अच्छा, पोल्यूशन नहीं, फॉग। मामा मार रहे चलान, पंजाब की गाड़ी का चलान मार चुके हैं। अरे यहाँ भी देखो ना, गाड़ी कैसे लगा के रखे सब, गाड़ी लगा के चले गए। अरे आके देखेंगे यार, देखेगा आगे। हम आ गए गलत होटल पर, जो कि पीछे आ गया था, मतलब एक ही नाम के दो होटल थे, तो हम पीछे चले गए। और अभी यहाँ से राइट मार रहे, जो कि हमारा सही होटल है। होटल में जाके आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ। होटल में आते ही साथ हमें मालूम पड़ा लिफ्ट बंद है, 4 माले तक ऊपर चढ़ गया है, सामान लेके फुल खाना ऑर्डर कर रहे। हमारा खाना आ चुका है, ये हमारी पनीर की सब्जी, ये रोटी, और इनकी मटन बिरयानी। तो देखो किसमें आई, मटन बिरयानी हांडी। ये देखो, ये छोटा सा रूम है जो कि एयरपोर्ट के जस्ट नजदीक है, हमने लिया है सिर्फ रेस्ट करने के लिए। तो अभी गाइस टाइम हो रहा है 7:29, तो हम लोग खाना खाने के बाद हम लोग का तो हो गया हालत टाइट, तो हम लोग हो गए 2.5 घंटे के लिए। तो अभी उठे हैं, 11 बजे की फ्लाइट है, तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे अभी। तो यहाँ से एयरपोर्ट है 3 से 4 किलोमीटर, और उसके लिए लगेंगे हमको 15 मिनट। जल्दी इसके लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये मेरा पहला फ्लाइट है, लाइफ की पहली फ्लाइट है, पहली बार उड़ूंगा। तो लेट्स सी कैसे उड़ने में कैसा लगता है, आपको भी दिखाता हूँ कैसा क्या एंट्री कैसे कैसे क्या
क्या किया जाता है? अरे कहना क्या चाहते हो? तो हमारी उबर बुक की है तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं रिसेप्शन पर। हमारा होटल का नाम है एरोफ्लाई। यहाँ पर दो एरोफ्लाई है, दूसरी एरोफ्लाई पे चला गया। हम पहले एरोफ्लाई पे बैठे हुए, बल्कि हम जब आए थे तभी भी हम वो एरोफ्लाई पे चले गए थे, ये एरोफ्लाई पे नहीं आए थे। कितना टाइम बता रहा है? 5 मिनट हो गया। इस क्या हो गया? अभी हम लोग बैठे थे अंदर, उबर वाले को कॉल किया। उबर वाला बोला कि ओलिविया के इधर है और ओलिविया है जस्ट ये रहा और हम अंदर बैठे। हमको लगा कि वो वाला एरोफ्लाई के इधर है, तो हम लोग ने उधर भेज दिया उसको। तो अभी हम लोग उधर जा रहे हैं। भाई साहब हम तो अभी तक दिल्ली की गलियों में फंसे हुए हैं। अरे इधर आ जाओ आ जाओ। ये ओला, ये अंकल आराम से इधर खड़े और हम वहाँ से घूम फिर के आए। वो तो अपना इधर एरोफ्लाई भी नहीं है। अंदर दबा दो अंदर। सर मेरे बिल्कुल यहीं से बिठाया, आप पूछ लो कहाँ से बिठाया है। और मैं जाम के चक्कर में थोड़ा कंफ्यूज हो गया सर, जाम में भूल गया। भैया ये टेक्निक चल जाती है भैया, उनको भी पता है अंदर गांव में कितना जाम लगता है। हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली के एयरपोर्ट। दिल्ली से अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। तो मिस्टर दिल्ली थैंक यू सो मच भाई। ये मिस्टर दिल्ली हमारे दिल्ली से खास मेहमान, दिल्ली का खास है अपना। तो थैंक यू सो मच भाई, 2 दिन तूने मेरी बहुत ख्याल रखी। तो हम लोग आ गए अंदर। वो अंकल ने वो स्कैन कराया पहले, फिर स्कैन करने के बाद वो आईडी मांगा, आईडी में नाम देखा, अंदर जाने दिया। और बाद में बैग चेकिंग किया, चेकिंग करने के बाद कुछ नहीं, 2 सेकंड में चेक इन हो गया बस। और इधर आ भी गए अंदर। तो आज की फर्स्ट फ्लाइट। प्लेन का नाम कौन सा? प्लेन का नाम प्लेन का नाम दिल्ली मुंबई गो फर्स्ट। प्लेन का नाम प्लेन एक्सप्रेस, वही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस। भाई ये होते हैं ट्रेन में सफर करने वाले लोग, प्लेन का नाम पूछ रहे हैं। मतलब हम लोग घर पे बताया जाता है कि खिड़की से मुंह बाहर मत निकालना, प्लेन में भी नहीं निकालेंगे। चलो अंकल देखिए बस हो गया। पुलिस वाले लोग कुछ बोलेंगे तो नहीं ना, ऐसा वीडियो निकाल रहे। अब जाना है ऑल गेट्स पे। ऑल गेट्स में मतलब सब गेट है उधर। तुम्हारा गेट नंबर क्या है पता है? नहीं। अभी हम यहाँ पर वेटिंग में बैठे हैं क्योंकि हमारा बोर्डिंग पास जो आया है उस पर गेट नंबर नहीं दिया है, क्योंकि हम टाइम से पहले पहुँच चुके हैं। हमारी फ़्लाइट है 11 बजे की और अभी टाइम हो रहा है 9:10-11, 2 घंटा हम लोग जल्दी आ चुके हैं। 9 बज रहा ना? 8:48, वो भी 9 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है, तो भी समझ सकते हैं हम टाइम पंचुअल कितने हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्योंकि 2 घंटा हम लोग जल्दी आ गए। तो मिस्टर जी है वो समोसा लेने गए हमारे लिए। तो गाइस बिल देख के मेरे को ऐसा लगा था 520 रुपये में 2 प्लेट आएगा अपना खमन ढोकला। तो मतलब 2 प्लेट तो नहीं आया, 2 पीस आया 230 रुपये का और 230 रुपये का ये, मतलब महंगा है भाई महंगा है। तो गाइस हम लोग ने वो नाश्ता कर चुका है, 2 ढोकला और 2 समोसा, और अभी हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 34 की तरफ। एयरपोर्ट का शौचालय। हम लोग गेट नंबर 34 पे आए और अभी देखो अनाउंस हो रहा है अभी 31 पे भेजे, मतलब इधर उधर से घुमाते रहते हैं लोग एयरपोर्ट वाले। देखा 31, अभी 31 पे जाके बोलेंगे 29 पे आ जाओ, 29 पे जाके बोलेंगे 34 पे आ जाओ। सिर्फ घूमते रहो ऐसे ही आपका 1.5 घंटा ऐसे ही, इसके लिए नहीं बोलते जल्दी आने के लिए आपको, 1.5 घंटा ऐसे आप एयरपोर्ट पे घूमो देखो क्या क्या चीज़ें मिलती है, सब बिजनेस है बिजनेस। हम लोग फर्स्ट फ्लोर का क्या मालूम कौन से फ्लोर 31 ग्राउंड फ्लोर पे, बट 31 है नीचे, 31 है नीचे अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड जी। नंबर 31 अभी तक चालू नहीं हुआ बोलिंग, जैसे 34 पे भेजे थे 31 पे भेजे। अभी देखते 5-10 मिनट रुकते फिर बोलेंगे 34 पे जाने, तो बोलेगा भाई बैग उठाओ लेके चलो हमारा, तुम ऊपर से नीचे कर रहे हो कब से। नहीं यहाँ से बस में चढ़ेंगे, अब नीचे आ गए, अब एरो ब्रिज नहीं होगा हमारे लिए, जो ब्रिज से डायरेक्ट एरो ब्रिज होता है ना वो ब्रिज नहीं होगा, फर्स्ट हमें बस में जाना पड़ेगा, देन हमें सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा बैग उठा के। जब तक क्लियर नहीं मिलेगा तब तक उड़ेगी नहीं अपनी फ्लाइट। जाओगे तो सब जगह पे वे मिलेगा आपको, सब वे
ऊपर भी दे तो सब्वे, नीचे भी दे तो सब्वे, मतलब ये सब्वे सब्वे दिखा के ये लोग सब्वे घुमा रहे इधर से ऊपर नीचे। देखो फर्स्ट फ्लाइट GA354 टू मुंबई, नाउ द न्यू अपडेटेड गेट नंबर इज 31 टू मुंबई, थैंक यू। मेरे को लगा अभी फिर से 34 पे भेज रहे हैं। में नहीं आ रही है मतलब इसमें 12 में वाइड में मतलब लाइट कम हो जाती है, वाइड करेंगे। बैगेज गाइस, लगेज बैगेज ऑल बैगेज। अरे वाह अभी आ रहा, अच्छा मतलब अच्छा है, बस में लेके जा रहे हैं, अच्छा है। नहीं तो ये चल के बोल देना अभी, जैसे 34 से 31 लेके आए, बोल दे 31 से प्लेन में जाओ चल के, बहुत हालत ख़राब हो जाती है, इतना चल के कौन आएगा। आ गए, चलो गाइस अब बस रुकी है, पीछे जाना है बहुत। तो गाइस ये प्लेन में पहली बार अपने आंखों से इतनी नजदीक देख रहा हूँ। यहाँ पे आवाज आपको बहुत कम आता होगा क्योंकि यहाँ का प्लेन का इंजन का आवाज इतना ज्यादा है, तो आपको सुनाई दे रहा होगा कि नहीं आवाज मेरा पता नहीं, बट मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। ये हमारे पहले कदम पड़ चुके हैं प्लेन के अंदर, ये वाला, लेकिन इस साइड, दिस साइड। तो गाइस हम लोग प्लेन में बैठ चुके हैं, मिस्टर जी की सीट ये थी जो उन्होंने हमको पास कर दी, क्योंकि हम पहली बार बैठे इसके लिए यहाँ पर। विंडो सीट देखते हैं ऊपर से कैसा नज़ारा आ रहा। बीच में हम लोग मथुरा में थोड़ा नाश्ता करने रुके। और मेरे घर को मम्मी ने बोला है कि बाहर मुंडी नहीं डालना, नहीं तो वो दूसरे प्लेन जाएंगे ना उसके झटके से हाथ कट जाएंगे। ताज बहुत गंदा है ये, तो भी दिख रहा थोड़ा बहुत। ये दादा लोग ने हटा दिया सीढ़ी, सब पैसेंजर आ गए। आपकी सेवा में अलीशा, अंकिता और राधिका है। चल चुकी है प्लेन। अभी लिया है ये मैगी नूडल्स, लाइक जो भी है वेज नूडल्स और वो चिकन नूडल्स, तो ये दोनों 450 का है, मतलब टोटल ये आता है बाहर 40 रुपीज़ का, ये हार्डली 45 रुपीज़ का आता होगा, 40 रुपीज़ का 45 रुपीज़ का, और हमने पे किया 450। फ्लाइट में अलग ही पैसे देने पड़ते हैं, और सिर्फ उसने हम लोग के सामने गर्म पानी डाला है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज मेरा फर्स्ट फ्लाइट था, तो उड़ने के टाइम बहुत खुशी हुई, उड़ने के टाइम थोड़ी फटी, बट उतरने के टाइम ज़्यादा फटी। और अभी वो लगा रहे हैं नीचे उतरने के लिए ग्राउंड स्टाफ। मगर यहाँ पे तो देखो ऐसा लग रहा है कि स्टेशन पे खड़े, मतलब गेट खुला नहीं है अभी तक।
और सब जन खड़े हो जाने के लिए। मतलब वो मीम में बताया ना कि वही मीम वाला याद आ रहा है बस। मुंबई मेरी जान। आप देख सकते हो कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। यहाँ पर हम आए अपना बैग लेने। अच्छा ये बेल्ट नंबर 4 है, 4 नंबर पे आएगा। विदाउट अनाउंसमेंट दे विल चेंज। अभी हम अपना बैग का वेट कर रहे हैं। एक बैग तो आ चुका है, बट थोड़ा सा कंफ्यूज है कि वो दूसरा बैग कैसा था। वो 300 रुपये वाला बैग जो लिया था ना, वही बैग है ये वाला पक्का। इसमें इसमें मेरा नाम है। हमारे कुछ मित्र आए हैं हमें लेने के लिए, अभी वो बाहर ही खड़े, अब जाते हैं उनसे मिलते हैं। जो कि है केकेडी चैनल के 3 खास मित्र, एक एमडी मिस्टर एमडी चार वी और एक है मिस्टर टर्की। कुछ कहना चाहूँगा, पहली फ्लाइट थी मेरी और मुझे बहुत मज़ा आया। थकेगी नहीं? नहीं नहीं, अरे क्या थका है, कुछ नहीं थका। इतना तो मतलब दिल्ली से मुंबई आ जाए ना बाइक पे तो भी मतलब टाइम कंसिस्टेंसी है ये। हम आ गए अभी बाहर, मतलब यहाँ पर मैं बहुत बार आया हूँ, यहाँ से पहली बार आ रहा हूँ। नहीं भैया, होटल कहाँ जाना है, हमारा घर है यहाँ पर। हम दिल्ली में थे होटल में, मगर यहाँ पर घर पे रहेंगे ना अभी। तो आइए गाइस, ये गाड़ी लेके आए हैं हमारे मित्र। वेलकम वेलकम, आपको मिला देता हूँ। वेलकम वेलकम, ये है मिस्टर शकल नहीं दिखाना किसी की भी। हाँ, ये है मिस्टर वी, छुपा दे रहा तो। हाँ, और ये है मिस्टर टर्की जो अंदर बैठा है। अरे क्यों इधर पीछे बैठा है? ऑलराइट गाइस, जैसे ही मेरे फ्रेंड्स लोग ने मुझे घर पे छोड़ा, थोड़ा बहुत तो थकान तो होता ही है, तो मैं घर जाके सो गया। एंड दिस इज द नेक्स्ट डे, और फर्स्ट ब्लॉग की एडिटिंग वहाँ पर ही कर ली थी, तो सेकंड ब्लॉग की एडिटिंग करने स्टार्ट कर दिया हूँ। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। अगर आपको ये दिल्ली टू मुंबई वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो, क्योंकि ये मेरा पहला फ्लाइट था, जितने भी मैंने फुटेजेस कवर किए मैंने सब डाल दिए, भले ही वीडियो लेंथी हो, बट एक ये मेमोरी के थ्रू मुझे याद रहेगा, क्योंकि भूलने की बीमारी नहीं बोल सकता हूँ, शायद मुझे याद नहीं रहता। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं न्यू वीडियोस डालूंगा। सो टिल देन, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर।